नमस्कार, आप देख रहे हैं द आरके न्यूज़। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस और उनकी पत्नी समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि वायुसेना ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी ANI ने भी हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। साथ ही जानकारी है कि शवों की पहचान DNA जांच से की जाएगी। गुरुवार को संसद में दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर MI-17V5 के बारे में जानकारी देगी। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के कोयंबटूर और सुलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के MI सीरीज के हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत, उनके कर्मचारी और परिवार के कुछ सदस्य सवार थे। हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि CDS विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ है। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है, यहाँ CDS रावत का लेक्चर था। दुर्घटना स्थल की कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरें में गहरे धुएं और आग के साथ हेलीकॉप्टर का मलबा भी दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि MI-17V5 एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे जवानों और आर्म ट्रांसपोर्ट फास्टर सपोर्ट खोजने और बचाने के मिशन के लिए डिजाइन किया गया। बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त विमान MI-17V5 भारतीय वायुसेना का काफी ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है। बहुत ही दुखद खबर सामने आई। हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई।